देखो कांच की तरह यार पानी, ऐसा लग रहा है कांच है, उसके नीचे पौधे लगे हुए हैं। भाई मछली देखो कितनी मस्त हो रही है यार। भाई घाटी देखो इधर की कितनी मस्त है यार, ये देखो कितनी मस्त घाटी है। तो भाई इधर पे देखो रास्ता है ना ढह गया, तो उसका काम चल रहा है देखो। भाई ये बारिश में ख़राब हो गया था, तो इस पर आज काम हुआ है, तो ये देखो पूरा है ना फट गया है। भाई देखो आप लोगों को ना ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखाता हूँ। ये भाई चीड़ के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं यार। तो भाई व्यू देखो इधर का कितना मस्त है। भाई हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं सरिता ताल के पास, और आप देखो भाई कितना मस्त है यार इधर का। देखो इधर का देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर पे ऐसे ये एडवेंचर के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो पानी देखो भाई कितना साफ है, ये पानी है जो कांच की तरह दिखाई दे रहा है आपको, अंदर के एक एक पौधे दिख रहा होंगे। उस तरफ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो झरना जो है ना उधर से बह के आ रहा ना, तो उसको सीढ़ी से कर दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये ऊपर, इधर चाय मैगी कॉफ़ी वगैरह की, और ऊपर का पहाड़ देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यार, क्या खूबसूरत जगह है भाई, इतना खूबसूरत जगह है ना यार, क्या बताएं आप लोग। ये देखो पीछे का व्यू देखो आप लोग कितना मस्त आ रहा है भाई, बहुत खूबसूरत जगह है, क्या बोलूं, खूबसूरती खूबसूरती बस शब्द निकल के आ रहा है, इतना खूबसूरत जगह भाई। मतलब ऐसा लग रहा है यार जाओ मत यहाँ, ऐसा लग रहा है एक दो महीने के लिए रुको। और ये ताल देखो यार कितना, देखो कांच की तरह यार पानी, ऐसा लग रहा है कांच है, उसके नीचे पौधे लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ से नैनीताल 10 किलोमीटर बचा हुआ है, और भाई हर जगह इतनी प्यारी जगह है ना कि आप क्या बोलें, मतलब खूबसूरती जो है ना वो भाई सुना था जो बात जो आंखों से देख रहा है ना उसकी बात ही अलग है यार, मतलब जो सुना था उससे ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है ना भाई, इतना खूबसूरत। तो ऐसा लगता है कि बस जहाँ रुके हो ना तो वहाँ रुके रहो, खड़े रहो, बस देखते रहो उन चीज़ों को। अब क्या बोलने, मतलब जाना पड़ेगा हम लोग आगे, तो अभी है ना नैनीताल पहुंचते हैं, आप लोगों को फिर वहां का दिखाते हैं। तो भाई नैनीताल में कुछ इस तरीके की भीड़ है, देखो आप लोग चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है आप लोग। तो भाई हम लोग थोड़े आगे आ गए, और हम लोगों को थोड़ा पीछे रुकना था पार्किंग के लिए, और भाई ये वन वे था तो रिवर्स तो नहीं, हम लोग गाड़ी तो आगे से देखते हैं, आगे से घुमाते हैं। तो भाई पता नहीं हम लोगों को है ना पुलिस वालों ने रोक लिया, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये गाड़ी है उसके लिए यहाँ का परमिट नहीं है, तो आप ये गाड़ी अंदर लाए तो ये है ना इधर के हिसाब से गलत है, उल्लंघन है, तो उसके लिए भैया साहब रोक लिया, और जो हमारे भैया है जो साथ में है गाड़ी चला के, उनको साथ में लेके गए, और वो कैमरा देख के भाई इधर से है ना दूर हट गए थे, उन्हें लगा शायद मैं वीडियो तो नहीं बना रहा उनके, तो देखते हैं बात करने तो गए वो क्या होता है। तो भाई है ना हम लोगों का 500 रुपये का चालान काट दिया उनने, तो यहाँ भाई पार्किंग के लिए हम लोगों से 100 रुपये लिए गए, और भैया अभी तक की मेरी सबसे महंगी पार्किंग है भाई यहाँ की, वो उधर बुला रहा है भाई, भैया उधर बता रहे हैं तो उधर गाड़ी लगाना है। तो भाई अभी तक तो हमने भाई 10-20 रुपये तक की गाड़ी खड़ी करी है, पहली बार है कि 100 रुपये में गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो भाई मछली देखो कितनी मस्त मछली हो रही है, कितनी बड़ी मछली है यार, तो भाई हम लोग है ना नैनीताल आ गए थे, और नैना देवी के मंदिर में इस वक्त हम लोग, और चारों तरफ का व्यू देखो भाई कितना मस्त है, अब लोग दिखाता हूँ। देखो मंदिर के अंदर भाई वीडियो बनाना मना है ना, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बाकी आप लोगों को बाहर से दिखा रहा हूँ किस तरीके से चारों तरफ का। भाई ठंडक बहुत ज़्यादा है इधर पे, हमारे इधर बहुत गर्मी है पर इधर।
तो भाई हम लोगों ने बोटिंग के लिए टिकट ले ली जो 210 की पड़ी हम लोगों को, तीन लोगों के लिए, चाहे तीन बैठो एक बैठो जितने भी बैठो। तो देखो बोटिंग इस तरफ भाई कुछ इस तरीके से, और 20 मिनट घुमाया जाएगा हम लोगों को। कौन जा रहा? अच्छा वो जा, तो उस तरफ जाना हम लोगों को। और इधर भाई बोटों की पुताई चल रही है, ये देखो भाई कुछ इस टाइप का है। ठीक ठीक भाई, मैं जाऊँ लेके डूबे? अच्छा दस बीच में यहाँ पे रखूँ? बीच में चलिए, छुए मत किसी चीज को, खड़े रहिए, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हुए सर, इसको रहने दीजिए। अच्छा इसको रहने दो, रख दो आप, सीधे जाओ। डर लग रहा है पलट ना जाए, सीधे आखिरी में। तो भाई बोर्ड में बैठ चुके, नहीं हालांकि मुझे आता रहे ना, फिर भी भाई ठंडा बहुत है पानी। तो भाई बहुत डरावना है जी। दीदी सीधे, अच्छा जैकेट डाल लूं? तो भाई सबसे पहले लाइव जैकेट डालने। तो भाई बोटिंग हमारी हो गई है। तो भैया देखो चला रहा है सामने बोट, टाइप का कुछ सीन है भाई। देखो चारों तरफ कभी हो भाई, हल्की हल्की हवा और ठंड लग रही है ना भाई, बहुत मस्त लग रहा है। और उस तरफ देखो, उस तरफ भी बोटिंग हो रही है भाई, चारों तरफ बोटिंग ही बोटिंग हो रही है। तो भाई यही है तालों का ताल, नैनीताल। तो फाइनली भाई हम लोगों ने नैनीताल घूम लिया, और भाई अब निकल रहे हैं हम लोग वापस हरिद्वार के लिए। और भाई चढ़ते चढ़ते हम लोग काफ़ी थक गए हैं, बहुत देर से चल रहे हैं ऊपर, घाट पे गाड़ी खड़ी है, तो पहुंचते हैं गाड़ी पे और फिर मिलते हैं। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं अब नैनीताल से, तो नैनीताल को करते हैं बाय बाय। और यहाँ से अब हम लोगों को निकलना है हरिद्वार, तो उससे पहले भी एक जगह और जाना है ना, तो वो उसका नाम पता नहीं, अभी भैया से पूछूंगा क्या नाम है उसका। और तो दोस्तों ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं इस वाले की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय।